हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दाल की करारी बड़ी वाले पुलाव राइस बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, साथ में बढ़िया सा टमाटर प्याज का रायता भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए, इस तरह की जो मार्केट से वड़ी मिलती है स्पाइसी सी, ये वाली वड़ी के साथ हम पुलाव राइस बनाएंगे। ये आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से, अगर आपको ज्यादा स्पाइसी खाना है तो आप दो वड़ियां डाल लीजिए, कम खाना है तो एक डाल लीजिए, अपनी लाइकिंग के हिसाब से आप वड़ियां ले लीजिए। एक मैंने लिए हैं बासमती राइस, इनको मैंने 10 मिनट पानी में भिगो कर रखा था। इस कटोरी के राइस हम बनाएंगे, ये कटोरी भरकर मैंने राइस की ली थी। बाकी चाहिए होंगी कुछ सब्जियां, खड़े मसाले। स्टार्ट करते हैं बनाना। इसे पैन ले लेंगे एक, उसमें हम देसी घी ऐड करेंगे। बड़ी को हम तोड़ लेंगे इस तरह से, ज्यादा छोटा क्रश नहीं करेंगे। अब एक पैन में देसी घी ऐड करेंगे, 2 चम्मच इसमें देसी घी के ऐड करेंगे, और ये जो बड़ी है ये इसमें डालकर हल्का सा हम इसको फ्राई सा कर लेंगे देसी घी में। बस देसी घी में इसको 1 मिनट फ्राई करके हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर लेंगे, 1 से 1.5 चम्मच। अब इसमें हम सभी खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले में 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, 1 छोटी सी स्टिक दालचीनी की, इलायची, थोड़ी सी लौंग, 2 तेज पत्ता, ये सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि घी में इसका फ्लेवर आ जाए। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे और हल्का ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। 1/2 छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे कि प्याज अच्छे से जल्द ब्राउन हो जाए। चम्मच नमक ऐड कर देंगे, हल्के ब्राउन हो गए प्याज। अब इसमें हम कटे हुए आलू डाल देंगे, इनको भी प्याज के साथ हल्का फ्राई कर लेंगे। 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, साथ ही जो हमने मटर रखे थे वो ऐड कर देंगे, ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। नमक हमने 1/2 छोटा चम्मच पहले डाला था तो 1 चम्मच और डाल देंगे, ये सफिशिएंट है। बाकी आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। फ्रेंड्स, अगर आपको रेड रेड कलर के राइस खाने हैं तो आप हल्दी मत डालिए, अगर आपको येलो येलो कलर के हल्दी वाले राइस खाने हैं तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा मसालों को कुक करने के बाद बस 1 मिनट कुक करेंगे। अब साथ में जो हमने फ्राई करी हुई थी वो वड़ी ऐड कर देंगे, और जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो भी साथ ही में डाल देंगे। जितने हमने चावल लिए हैं उसका 2 गुना पानी इसमें हम ऐड करेंगे। ये कटोरी भरकर मैंने राइस के लिए थे, चावलों के लिए थे, ये कटोरी भरकर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। और इसमें हम एक डालेंगे लास्ट में नींबू, अगर बड़ा नींबू है तो 1/2 सफिशिएंट है, अगर आपके पास छोटा नींबू है तो पूरा डाल दीजिए। ये जो इसका छिलका है ये भी साथ ही में डाल देंगे, बाद में इसको निकाल लेंगे। अब अच्छा बॉयल आने तक इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे,
बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको सिम कर देंगे। ये देखिए चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए, आंच को बिल्कुल धीमा करके 10 मिनट बाद चेक करेंगे। जितनी देर राइस प्रिपेयर हो रहे हैं हम यमी सा रायता बना लेंगे। एक कटोरी भरकर यहाँ पर मैंने ताजी दही ली है, इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच चीनी का, आधा छोटा चम्मच काला नमक और एक पुदीने का मसाला जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी थी, ये सब चीजें इसके बीच में ऐड कर लेंगे। अच्छे से चीनी के मिक्स होने तक हम इसको मिक्स कर लेंगे। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके दही को बिल्कुल स्मूथ करके इसमें हम कटे हुए प्याज और टमाटर ऐड कर देंगे। किसी भी पुलाव के साथ ये रायता बहुत ही यम्मी लगता है। 10-12 मिनट हो गए, सिम पर ढककर पकते हुए चावलों को चेक कर लेंगे हम। पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका सूख चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम इसकी ऑफ कर देंगे और इसको ऐसे ही खुला थोड़ी देर 2-3 मिनट पड़ा रहने देंगे ताकि जो इसकी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो उड़ जाए। ये जो लेमन का पीस है जो छिलका हमने डाला था इसको निकाल देंगे। देख सकते हैं आप कितने बढ़िया राइस बने हैं। 2-3 मिनट हो गए इसको इसी तरह से। अब इस पर हम हरा धनिया डाल देंगे। मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। स्पाइसी वड़ी वाले पुलाव राइस बनकर रेडी हैं। किसी की भी तरह के रायते के साथ लंच या फिर डिनर में सर्व कर सकते हैं। टिफिन में भी लेकर जाना बढ़िया लगता है। ट्राई कीजिए आप भी इस तरह से स्पाइसी पुलाव राइस बनाना और कमेंट्स में भी फ्रेंड्स जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।